नमस्कार, आज हम 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास वॉल क्लॉक दी हुई है और ये घड़ी की मिनट की सुई है जो 14 सेंटीमीटर है। तो हम यार फर्स्ट नंबर में राइट कर देंगे 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये सुई 12 पर है, 12 से लेके 1 पर जब ये पहुंचेगी तो ये 5 मिनट का एरिया कवर करेगी। तो दिस एरिया हमने निकालना है। इन द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आपका सर्कल है और ये इसका रेडियस है। तो रेडियस हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो ये क्या है आपका, ये आपका त्रिज्यखंड है, सेक्टर जिसे हम कहते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फर्स्ट नंबर पे रेडियस चाहिए, रेडियस हमें दिया हुआ है, और एंगल चाहिए, दिस ये आपका कोण चाहिए। तो ये हमें नहीं दिया गया है, तो इसी को हम निकालेंगे। यहां पर मैंने राइट कर दिया है 5 मिनट में बना कोण। तो फर्स्ट नंबर में देखिए, मैं राइट कर रहा हूं 360 बाई 60, और यहां पर बाई 60 हो गया, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां पर एंगल आ जाएगा। तो देखिए 360 क्या है, 360 फुल एंगल जो होता है, यहां से लेके वृत्त में बना पूर्ण कोण जिसको बोलते हैं। और जब मैं 60 क्या है, मिनट है, 60 से मैंने डिवाइड किया तो ये 1 मिनट का एंगल बनेगा। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 मिनट का कोण आ जाएगा। तो देखिए निकालते हैं इसको, 0 से 0 कैंसल, और 6 6 36, 6 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 30, तो 6 5 30, तो 30 डिग्री आपका एंगल आ गया। अब यहां हम राइट भी कर सकते हैं 30, यहां मैं राइट कर रहा हूं 30, तो 30 क्या है एंगल। तो अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो अब हम ये एरिया निकाल रहे हैं, इस त्रिज्यखंड का एरिया। तो त्रिज्यखंड के एरिया का फार्मूला सभी जानते हैं। तो देखिए इसको इजी बनाता हूं मैं, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट नंबर पे आप यहां राइट कर दोगे पाई आर स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे थीटा बाई 360। थीटा बाई 360 आप राइट कर दोगे यहां पर। व्हाट इज थीटा, यू हैव थीटा आपका एंगल है त्रिज्यखंड का, और 360 क्या है, फुल एंगल। तो अभी देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, व्हाट इज थीटा, यू हैव एंगल यहां पर 30 है, यहां भी मैंने राइट किया हुआ है, तो 30 आप यहां राइट करोगे 30 बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई, और पाई का मान सभी जानते हैं 22/7 होता है, मल्टीप्लाई व्हाट इज आर, रेडियस क्या है, यहां देखिए ये रेडियस दिया हुआ है 14, तो 14 आप यहां राइट करोगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 14 को 2 times आप मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ आई एम राइटिंग हियर अगेन कैलकुलेटिंग दिस, देखिए 7 है ये 14 है, 7 2 14 हो गया ये आपका, और भी 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। ये यहां पर 36 को 3 से डिवाइड करोगे आप तो आपके पास 12 आ जाएगा, और ये 22 है, ये 12 है, ये भी 2 की टेबल पे चले जाएंगे, 11 आ गया ये आपका, दिस विल बी 6, एंड दिस विल ऑल्सो यहां पर डिवाइड बाई 2, यहां पर 2 3 हो गया, यहां पर 7 पे आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए यहां पर न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है, देखिए 11 है, 7, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर 77, और 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा, और यहां पर डिनोमिनेटर में ओनली 3 बचा हुआ है तो आप 3 राइट करोगे। अब ये आपका एरिया आ जाएगा, इस आपके त्रिज्यखंड का एरिया, आप देखिए क्योंकि ये सेंटीमीटरों में है तो आप यहां पर सेंटीमीटर जरूर राइट करेंगे, और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो आप यहां पर स्क्वायर जरूर लगाएंगे। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इस क्वेश्चन को वेरी इजी वे में हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।